ट्विटर भाई साहब अलग ही दुनिया, भारत पाक की जनता की असल जिंदगी में जो भी चल रहा हो ये लोग यहाँ दूसरों के खूब मजे लेते हैं। और इन मजे लेने वालों की मौज उस दिन होती है जिस दिन कुछ ऐसा हो जाए जो इनकी आम जिंदगी को मिंट जिंदगी बना जाए। बोले तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो भारत हार जाए और अगर आप भारतीय हैं तो पाक परास्त हो जाए। वैसे बॉर्डर के दोनों तरफ की मिंट जिंदगी में कई बार इन दो के अलावा किसी तीसरी टीम को भी एंट्री मिल जाती है। सबसे लेटेस्ट मामले में ये हुआ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मैच में। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 124 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ ही T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का सफर खत्म हो गया। और ऐसा होते ही ट्विटर पर आंधी आ गई। इस आंधी में कई हैशटैग दिखे और अब हम आपको इन्हीं हैशटैग्स के बारे में बताएंगे। हैशटैग इंडियन क्रिकेट टीम, इस हैशटैग में काफी कुछ रहा। इंडियन फैंस ने इसके जरिए अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों निकाले। कई लोग वर्ल्ड कप से ठीक पहले IPL कराने से नाराज थे तो कुछ लोगों ने अभी से बदले की तैयारी शुरू कर दी थी। वो न्यूजीलैंड को इंडिया टूर पर पस्त करने की बातें कर रहे थे तो कुछ फैंस ने इस हैशटैग के जरिए टूर्नामेंट की शुरुआत में फेवरेट बताई गई भारतीय टीम के मजे भी ले लिए। वहीं कुछ क्रिकेट प्रेमी ऐसे भी रहे जिन्होंने साफ कर दिया कि इस प्रदर्शन के बाद भी वो अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। कुल मिलाकर ये हैशटैग मिला जुला रहा। हैशटैग मौका मौका, इस ट्रेंड में पूरी तरह से भारत के मजे लिए गए। पड़ोसी क्रिकेट फैंस ने ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के कुख्यात विज्ञापन की लाइंस के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक बनाया। इस ट्रेंड में कई क्रिएटिव मेमे, जी हाँ हम यही कहते हैं, हाँ तो कई क्रिएटिव मेमे दिखे। इस हैशटैग में पाकिस्तानी जनता पूरे रंग में दिखी। उन्होंने इस विज्ञापन की शुरुआत से अब तक भारतीय जनता द्वारा लिए गए मजे को सूद समेत लौटाने की पूरी कोशिश की। कई पाकिस्तानी फैंस ने इस ट्रेंड्स में अपनी पार्टी करती हुई तस्वीरें भी शेयर कर डाली। हैशटैग मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी हाँ मुंबई एयरपोर्ट का यही नाम है। और अफगानिस्तान के हाथे ही ये एयरपोर्ट ट्विटर पर छा गया। पड़ोसी देश के ट्विटर चालकों ने इस ट्रेंड पर खूब क्रिएटिविटी दिखाई। किसी ने लिखा भारत मजबूत वापसी करेगा मुंबई एयरपोर्ट पर, तो किसी ने लिखा कि भारत ने सफलतापूर्वक मुंबई एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस ट्रेंड पर बहुत सारे ट्वीट्स हुए। इन ट्वीट्स में मुंबई एयरपोर्ट जाते इंडियन फैन से जुड़े मेमे भी शामिल रहे। हैशटैग बाय बाय, मैच भले ही अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच था लेकिन ट्विटर के लगभग सारे ही ट्रेंड्स भारत से जुड़े हुए थे और इन ट्रेंड्स में एक बाय बाय भी रहा। अफगानिस्तान की हार के बाद भारत का बाहर होना पक्का होते ही पाकिस्तानी फैंस ने ट्विटर पर बाय बाय ट्रेंड करना शुरू कर दिया। इस ट्रेंड पर आए तकरीबन सभी ट्वीट भारत को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बाय बाय कर रहे थे। कुछ यूजर्स ने इस ट्रेंड के जरिए अफगानिस्तान को भी अलविदा कहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, शूट कर रहे हैं दीपक, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन भी दबाइएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमको फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर लाइक कर सकते हैं और तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। शुक्रिया।